नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब के नीले रंग की। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब नीला ही रंग क्यों पहनते थे और बहुजन समाज की सभी पार्टियां या सभी अध्यक्ष नीले रंग को ही सबसे ज्यादा प्रिय क्यों मानते हैं और कई उनके जो फंक्शन होते हैं उनमें भी वो नीले रंग का ही प्रयोग करते हैं अपने कार्ड्स और डेकोरेशन के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, बाबा साहब का नीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय क्यों था, इसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत लंदन से हुई थी। जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गए थे तब वहाँ पे उन्होंने एक और चीज सीखी कि यहाँ पे लोगों को दो तरह के विभागों में बांट दिया जाता है। जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब दी जाती है जिसमें उन लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है और वह अपना काम बहुत ही आराम से एक कैबिन में बैठ के करते थे। दूसरी होती थी ब्लू कॉलर जॉब जिसमें लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, हर अपने सभी कार्यों के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। और जब बाबा साहब ने इन दोनों विभागों को अच्छे से जांचा तो उन्होंने ये समझा कि अगर मुझे अपने समाज को अपनी जनता को ऊपर लेकर आना है तो मुझे ब्लू कॉलर में रहकर कार्य करना पड़ेगा क्योंकि बहुजन समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही नीचे दबा हुआ है, उसको निखार के लाने के लिए मुझे ब्लू कलर की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए बाबा साहब ब्लू कलर को पहनते थे और इसको हमेशा प्रेरित रखते थे। दूसरा कारण यह है कि ब्लू कलर जो है वो प्रकृति कलर भी है जो किसी के साथ मिलता नहीं है, तो इसीलिए ब्लू कलर लाने का सिर्फ मकसद यही था कि हम ज़्यादा मेहनत करें और ब्लू किसी और पार्टी के साथ या किसी और समाज के साथ घुले नहीं, अपना खुद की एक पहचान बना के समाज के सामने आके ये बताएं कि हम एक आम आदमी हैं, जैसे भगवान ने आपको बनाया है वैसे ही हमें बनाया है, बस इनमें जातियों का फर्क जो डाल दिया है। लेकिन किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि इंसान इंसान को ही धुतकारेगा, तो इसीलिए सबको समान माने और सभी के कार्यों की अहमियत को जाने। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।